कैसे हो एवरीवन। दोस्तों अभी हम लेने वाले दो एंट्री हमने ले ली हैं 2-200 की, 1 मिनट के लिए डाउन ट्रेंड के लिए आप लोगों के सामने। तो यार देखो, आज की इस वीडियो में न्यू स्ट्रेटजी बताएंगे यार। बस आप लोग अभी से अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और यार देखो, सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह की नई स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सब्सक्राइब से यार क्या कुछ भी नहीं है, कोई आपसे पैसे नहीं लेते, ये फ्री है सब कुछ। तो यार देखो, मैं शोर शोर ट्रेड लेता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को भी एक अच्छा ट्रेडर बनाऊँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी परफेक्ट विन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए ली, देखें ये साथ इसकी, ये जो कैंडल आपके लिए गई थी डाउन आई है, इसके अंदर बायर बैठे थे तो ये मार्केट डाउन आई थी, ठीक है। और एक चीज़ नहीं बताऊँ, बहुत से लोग ना ब्रेक डाउन को फॉलो करके ब्रेक डाउन पे एंट्री लेना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनसे तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि हर दफ़ा ब्रेक डाउन से मार्केट डाउन भी नहीं जाती, कई दफ़ा ब्रेक डाउन से अप जाके फिर डाउन आती है। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको किस तरह फॉलो करना है, ये भी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस वीडियो के साथ आप बने रहें तो ये हमें एक प्रॉफिट और ये साथ दूसरी भी प्रॉफिट, ठीक है। दो एंट्री, जब मुझे परफेक्ट एंट्री मिल रही होती है ना, तो भाई आपका भाई तो एंट्री छोड़ता ही नहीं है, वहाँ पर डबल ट्रबल ले लेते हैं। तो मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मार्केट को लॉस कम देना और मार्केट से प्रॉफिट हमने ज़्यादा लेना। सिंपल जी स्ट्रेटजी है, बड़ी टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री मुझे 2 मिनट के लिए तकरीबन मिल रही है, इस कैंडल के बाद मैं 2 मिनट के लिए एंट्री लूँगा या 1 मिनट के लिए, ये सोचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है ना मार्केट में ना वेट नहीं करते। देखो मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेट। अगर मार्केट में आप वेट करना सीख गए ना, तो भाई आप हर दफ़ा मार्केट से डबल से ट्रबल प्रॉफिट लेके उठोगे, लिख के दूंगा, ठीक है। इस कैंडल के बाद एंट्री लेंगे। देखो यहाँ पे सीन क्या है, जब भी आप मार्केट में बैठो, देखो मुझे तो सपोर्ट लेवल भी नज़र आ रहा था, रजिस्टेंस लेवल भी नज़र आ रहा था, ठीक है। हमने तो सिंपल सिंपल देख लेना कहाँ सपोर्ट है कहाँ रजिस्टेंस है, ठीक है। अब जब आपको पता चल जाएगा ना एक मार्केट में कितने बायर हैं कितने सेलर हैं, तो फिर आपको मार्केट के प्रेशर का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोज होने वाली है, ठीक है। तो वेट करते हैं, यहाँ पे 2 मिनट के लिए एंट्री लूँगा, एक साथ ही दो, ओ सॉरी तीन ले ली, लेनी दो थी। ये देखें ये दो एंट्री ले ली, परफेक्ट विन है। देख मैंने सिंपल सी चीज़ बताई थी कि हर ब्रेक डाउन से डाउन के लिए लेनी भी नहीं, जैसे ये देखें कितने ब्रेक डाउन है, लेकिन मैंने डाउन के लिए नहीं ली, 2 मिनट के लिए इसलिए ली क्योंकि मुझे पता है इस कैंडल ने अब अप जाना है। क्या है वो, क्या है नॉलेज, नॉलेज के बेस पे हमने क्या करना है, ट्रेड लेनी है। जितनी भी नॉलेज के बेस पे ट्रेड लोगे ना, लिख के देता हूँ भाई, 100/100 विन करोगे। नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो बहुत से लोग यूट्यूबरों की वीडियो देखते हैं, उनमें वो जो बता रहे होते हैं वो जाकर खुद करते हैं, तो वो कुछ और ही निकलता है, ठीक है। लेकिन क्या, मैं अपनी वीडियो में क्या कहता हूँ कि नॉलेज, मैंने आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाना है। क्या बोला मैंने कि भाई इसमें ऊपर जाना है, इसलिए 2 मिनट की ली, कहाँ पर गई मार्केट, अप गई। क्या बताया यार, हर ब्रेक डाउन से डाउन भी नहीं लेनी, क्योंकि अक्सर कई ब्रेक डाउनों से मार्केट अप जाके फिर डाउन आती है। तो उसके बीच में मैंने ली 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट कैंडल आपके लिए जानी है, तो आप लोगों के सामने गई है। मैं कुछ जादूगर नहीं हूँ, क्या नॉलेज, नॉलेज के बेस पे ट्रेड करोगे, लिख के देता हूँ मेरा भाई, 100/100 विन हो जाओगे। सिर्फ नॉलेज, नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे बहुत से लोगों ने गलती की होगी, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने ये ब्रेक डाउन देख के ना डाउन के लिए एंट्री ली होगी, लेकिन नहीं, आपके भाई ने अप के लिए ली, क्योंकि हमें पता था इसने अप जाना है। तो ये हमारी 100/100 विन है, तीनों, एक तो गलती से भी लग गई थी, लेकिन तीनों हमारी 100/100 क्या है, विन है। तो आप लोगों के सामने क्या होने वाला है, विन होने वाला है। अब देखो इसके साथ भी ब्रेक डाउन आया, ये नॉलेज है मेरी जान, सब नॉलेज है, ठीक है। इस नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करना है, बस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो क्या कैसे नॉलेज इस्तेमाल करनी है वो भी बताऊंगा, ठीक है। बस सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें, और ये जो दूसरा हमारा साथ सेकंड चैनल है, इस पर भी हम लाइव ट्रेड करके वीडियो पोस्ट करते हैं, तो इससे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी भाई, नेट हैंग हो गया, ये आप लोगों के सामने हमें प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने क्या हुआ, प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, देख सकते हैं। देखो कई दफ़ा ना मार्केट में जब एंटर होता ना, शुरुआत में मुझे अगर अच्छी एंट्रियाँ मिल रही हैं तो ना मैं वेट नहीं करता, मैं क्या करता हूँ डबल से ट्रबल ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट में एक तो ज़्यादा देर बैठना, तो एक तो मार्केट लॉस भी देगी, ठीक है। तो मार्केट में मैं ज़्यादा देर नहीं बैठता, ठीक है। दो से दो एंट्रियाँ, हाँ मैंने यहाँ पे 2 एंट्री डाउन की ले ली। आप देखो यहाँ पे तगड़ा तगड़े ब्रेक डाउन, जिसे तगड़े ब्रेक डाउन नहीं देखते, पावरफुल ब्रेक डाउन, जहाँ पे हाँ अच्छे खासे बायर और सॉरी सेलर बैठे हैं कि मार्केट ने डाउन जाना ही जाना है। तो 2 मिनट के लिए एंट्री ले ली कि अप जाए भी तो नेक्स्ट कैंडल पे डाउन है। ये क्या है, नॉलेज, नॉलेज के बेस पे हर काम करो, नॉलेज के बेस के, नॉलेज के बगैर कोई भी काम मत करो। कि कुछ लोग होते हैं ना यार, ये आजमाई हुई बात है, कुछ लोग क्या होते हैं
कि दो चार वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के बाद में डिपॉजिट करेंगे और उसमें प्रॉफिट करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ यार ऐसा मत करें, ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा मत करें, ठीक है। अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, मतलब कि वो अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, तो यार उसके पीछे उसकी मेहनत है। तो आप ये मत किया करो कि किसी की वीडियो देखी यार वो करा तो हम भी करें। आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारी ऑपोजिट चली गई है, कोई मसला ही नहीं है भाई, कोई मसला ही नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये ऑपोजिट चली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो तीन एंट्री है डाउन के लिए लूँगा, क्योंकि इसने डाउन बहुत ही बड़ा गिरना है, सिंपल सी बात है। वेट करेंगे, ए दो तीन चार पाँच, ओके ओके ओके, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए हमें, ठीक है, थोड़ा सा और वेट करेंगे, ओके। वेट करके यहाँ पर हमने डबल से ट्रिपल एंट्रियाँ लेनी है, ओके ओके। देखो यार मैं 100 200 300 डॉलर से ट्रेड करता हूँ ना, मैं तो ना मुझे लॉस भी हो जाए ना कोई मसला नहीं, हम पीछे से और कर लेंगे, ठीक है। वो ना आप लोगों ने ना ये चीज़ें ध्यान में जहन में रख के ट्रेड करनी होती है कि यार क्या हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसके पीछे हमारे पास इनकम पड़ी है, अगर हम लॉस भी हो जाएंगे बाद में लॉस रिकवर कर सकेंगे। तो ये मनी मैनेजमेंट भी करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दो तीन, अब देखो इतना बुरा ये गिरेगा, इतना बुरा गिरेगा, ये मार्केट को नीचे ले आएगा, ये आप लोगों के सामने। देखो आज की इस वीडियो को मैं बनाना नहीं चाह रहा था, बनाई इसलिए क्योंकि ना मैं क्या वीडियो में बताता था, ये देखिए इसके नीचे क्या है, बायर के मार्केट ने अप जाना है, लेकिन मैंने यहाँ से क्या ली, डाउन जान ली, ये हमारी जो नीचे वाली थी वो लॉस होगी। मैंने क्या ली, 2 मिनट के लिए डाउन ली। डाउन क्यों ली, क्योंकि ये देखो मैंने कि कई दफ़ा बताया कि मार्केट ने ऐसे आए बायर तो मार्केट ने आप जाना, नहीं, अक्सर क्या होता है जो मार्केट ऑपोजिट चल रही होती है ना उसमें जो बायर होते हैं ना, अगर वो कोई तकरीबन 10 से 12 बायर आए हैं तो उससे ऊपर वाली नेक्स्ट कैंडल में सेलर आने का ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि देखो सिंपल सा नॉलेज है यहाँ पर, अगर मैं आपको समझाऊँ ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा समझा दूँ, ये देखो यहाँ पर ज़रा तवज्जो करें, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखें क्या सीन हुआ, यहाँ से सेलर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर आए, ठीक है। उसके बाद यही मार्केट सेलर के लिए ओपन हुई, कैंडल नीचे की, फिर कैंडल ऊपर की, कौन आए, बायर आए, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट बायर में आई, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो और दें, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ब्रीकी में समझाता हूँ। ये देखें इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में पहले आए बायर, उसके बाद क्या आए, सेलर आए। हम ये मान, ये मान लिया हमने सेलर आए, एक मिसाल है, तो मार्केट डाउन आती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अप जाती है, सेलर है, मार्केट यहाँ पे डाउन थोड़ी सी आई, फिर अप गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सा नॉलेज है, ये देखो अगर यहाँ से मार्केट में पावर है, मार्केट अप गई है, गई है ना, नीचे बायर बैठे थे, वो बायर सिर्फ इस कैंडल के लिए बैठे थे, इस कैंडल के जैसे ही प्रॉफिट हुआ और वो बायर गायब, सिंपल सा नॉलेज है। तो ये आप लोगों के सामने ये प्रॉफिट हो गई है, ठीक है। एक तो इधर नेटवर्क का बड़ा इशू है, ठीक है, ये क्या है, आप लोगों के सामने हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का अकाउंट बनाने का तरीका ये है कि ये जो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे, ये जो अब ये वीडियो देख रहे हो, इसके टाइटल पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आप लोगों के सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी ई मेल और कोई सा भी अच्छा सा पासवर्ड लगा कर रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और ये जो ऊपर व्हाट्सअप का नंबर आ रहा है इससे आप हमसे डिपॉजिट और विड्रा करवा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रियल तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से अकाउंट बना लें, एप्लीकेशन भी अच्छी है और मैं इसकी स्ट्रेटजी दोनों चैनलों पे लाता रहता हूँ, ठीक है, दूसरा भी चैनल। क्या नॉलेज, आज मैं आपको बताऊँ मार्केट ऑपोजिट चल रही थी, अब सीन ये है कि यहाँ पे लोग एंट्रियाँ ले रहे हैं एक एक कैंडल पे, एक मिनट पे भाई, बस अगर यहाँ पे नीचे ओपन हो रही है तो बायर आए मार्केट में, थोड़ा सा अप गया तो इसका मतलब बायर आए तो मार्केट अप ले गया, यहाँ से मार्केट अप गई है लेकिन वहाँ पे मुझे लग गया, ऊपर से छोटी जी पिन बनाई तो वहाँ पे सेलर बैठना स्टार्ट हो गया था। सिंपल सा नॉलेज है, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम एंट्री लेंगे इस कैंडल के बाद, ओके, अप के लिए लेंगे $100 की, ठीक है, आपके लिए ले लिया, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल के बीच में दोनों में बायर बैठे थे, बायर स्ट्रॉन्ग गया था इसलिए मैंने आपके लिए एंट्री ले ली। और ये आप लोगों के सामने 100/100 विन है, नॉलेज है मेरी जान, नॉलेज। मैं क्या बताता हूँ कि कई दफ़ा ना मैं कहता हूँ कि अगर ब्रेकडाउन पे करो तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो, लेकिन मार्केट का मूवमेंट भी देखो यार, मार्केट किस हिसाब से चल रही है, ठीक है। आज क्या था, आज मार्केट ऑपोजिट चल रही थी तो मैंने उसको ऑपोजिट के हिसाब से एंट्रियाँ ली हैं, ठीक है। ये भी नॉलेज होनी चाहिए ज़रूरी, ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस दिन ऑपोजिट चलती है,
किस दिन मार्केट बिल्कुल ठीक चल रही होती है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं मार्केट में बैठा था, जब मैंने देखा ना मार्केट ऑपोजिट चल रही है, तो मैंने कहा यार जल्दी जल्दी से एक वीडियो बना दूँ ताकि ये भी मेरे भाइयों को पता ओके होना भाई ज़रूर ओके। हो कि भाई मार्केट ऑपोजिट भी चलती है। ठीक है, अक्सर क्या करता है कि आप ब्रेक डाउन से डाउन के लिए लेते हो और मार्केट अप चली जाती है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत जल्दी नोट करनी है। ठीक है, ये चीज़ें नोट करोगे तो ये आप लोगों के सामने हमें प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, ऊपर हमारे आप डॉलर भी देख सकते हैं। क्या नॉलेज, तो नॉलेज के बेस पे आप लोगों ने ट्रेड करनी है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल क्लिक कर लें और ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल क्लिक करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बेल क्लिक कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।